हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 9 साइंस का है। इसमें हम लोग चैप्टर 2 पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया था। देयर आर 3 लॉज। फर्स्ट जो था अपना एक्सेलरेशन के लिए था, सेकंड जो था वो मोमेंटम के लिए था, थर्ड जो है वो एक्शन रिएक्शन लॉ था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने 3 लॉज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस पर बेसिक न्यूमेरिकल भी हम लोग कुछ करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, सपोज दैट कोई एक कार है, ये कार किसी पॉइंट ए पर है, ऐसा। ये सपोज दैट ये पॉइंट कौन सा है, ए। यहाँ से इसका जो मास है वो एम है, और इसका जो वेलोसिटी वी है वो सपोज दैट यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये बोला गया कि सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट बी इसको पहुंचना है। पॉइंट बी पर अगर ये पहुंच रहा है कुछ ऐसा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है ये अपने को पता नहीं है। क्या नहीं पता है? वेलोसिटी। बट यहाँ पर जो इसका मास है वो मास है इसका सपोज दैट 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। सो यहाँ पर पॉइंट ए पर इसका मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है, एंड यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी हम आपको गिवन कर देते हैं, यहाँ पर v इक्वल्स टू है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और पॉइंट ए से बी तक पहुँचने में जो इसको टाइम लगता है t इक्वल्स टू ये 5 सेकेंड है, ऐसा। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन में दे देते हैं। आपको मोमेंटम एट पॉइंट ए दैट मींस पी ए फाइंड आउट करना है, एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ये कितना आएगा। सो ये दो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग राइट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पी ए, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ये अपना फॉर्मूला है। मास यहाँ पर पॉइंट ए पर कितना है इसका, ये है 500 किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी इसका कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा है। यहाँ पर ये किलोग्राम में था तो इनटू में मैंने फाइंड कर दिया किलोग्राम। सो यहाँ से जो मोमेंटम एट पॉइंट ए पर होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ गया। ये फर्स्ट आपका आंसर है। सेकेंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और ये होता है डेल्टा वी और अपान में कितना डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसा हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये हमने इसको बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। सो यहाँ पर एड करना पड़ेगा v2 - v1 और अपान में t2 - t1, या फिर इसको यहाँ पर डाल दिया डेल्टा डी की राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का है, 5 सेकंड का है। सो a इक्वल्स टू यहाँ पर ऐड करेंगे v2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, माइनस v1 कितना है 10। सो यहाँ पर मैंने राइट किया 10 और अपान में टाइम कितना है गिवन है आपको 5 सेकंड। सो ये जो डिफरेंस आएगा वो किसमें आएगा, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड में होगा, और ये जो आपको यहाँ पर टाइम है वो 5 सेकंड गिवन है। सो एक्सेलरेशन k इक्वल टू हो जाएगा 5 - 10, इसका मतलब क्या आएगा, -5/5। यहाँ पर मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर में सेकंड है, इसका मतलब हम लोग ऐड करेंगे क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ से अगर कैंसिल होगा तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि जो आंसर है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को सेकंड वे में अगर हम लोग बोले तो उसको बोलते हैं विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले या फिर रिटार्डेशन बोले, दोनों बात एक है। सो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो कितना, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो मोमेंटम था वो कितना है, 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि इफ आई टेल्स टू यू दैट कोई भी पर्सन है, ऐसा, ये पर्सन ए है, ये किसी वॉल को हिट करता है, ये किसी वॉल को क्या करता है, हिट करता है।
अब ये जब वॉल को हिट किया तो इसने जो इस पर फोर्स एक्ट किया, वो फोर्स सपोज दैट इसने एक्ट किया 5 न्यूटन का फोर्स इस पर एक्ट किया। अब ये जो फोर्स एक्ट किया 5 न्यूटन का, और यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, और यहां पर मैं गिवन भी नहीं दूंगा, मतलब आपको ये गिवन नहीं देगा। अब यहां से ये आपको चेक करना है कि ये मैंने क्वेश्चन में बोला कि ये जो पर्सन है वो 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्ट करता है वॉल पर, और ये जो वॉल है वो अपने प्लेस से बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हो रही है, मतलब उस वॉल को जब हिट कर रहा है वो, तो हिट करने के बाद उस पर कोई भी मतलब कि डिसबैलेंस नहीं हो रहा, फोर्सेस का जो अनबैलेंस सिचुएशन है वो नहीं आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये वॉल में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ जैसा था वैसे स्ट्रॉन्गली, यहाँ पर अभी भी सिचुएशन है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो वॉल है वो कितना फोर्स इस पर्सन के हैंड पर एक्ट किया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इफ क्वेश्चन को कैसे सुन लें कि ये जो पर्सन ए है वो 5 न्यूटन का फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एड करता है वॉल पर, और ये वॉल जो है वो अपने प्लेस पर स्टैंड है, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हाउ मच आपको कैलकुलेट करना है, हाउ मच फोर्स एज एक्टेड, या फिर यहां पर एक वर्ड ट्राई कर देते हैं रिएक्टेड, रिएक्टेड बाय वॉल, बाय वॉल। अब इसका क्या है, यहां पर अगर ये डिस्प्लेस होता तो ये हम लोग बोल सकते थे कि टोटली रजिस्ट नहीं कर पाए इस पर्सन के फोर्स को, बट ये रजिस्ट किया तो यहां से हम लोग राइट कर सकते हैं फोर्स ऑफ द पर्सन दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द वॉल। सो यहां से आंसर आपका कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। इसका मतलब है अगर वॉल जो है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तो जितना फोर्स उस पर्सन ने उस वॉल पे एक्ट किया हुआ था उसी का जो रिएक्शन आपको फोर्स मिल रहा वो भी कितना मिल जाएगा 5 न्यूटन, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो आप चेक कर लेंगे, कहीं कहीं पर न्यूटन्स थर्ड लॉ भी आ जाता है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर कार ए है और सेकंड कार इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ऐसा, ये बी है और ये आकर इसी पॉइंट पर कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद यहां पर मैं बोलता हूं कि ये M1 है और इसका जो मास है वो कितना है M2 है, इसका जो वेलोसिटी है वो V1 है और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है V2 है। इस कंडीशन में ऐसे कुछ गिवन है, सो यहां पर ये कोलाइड करने के बाद स्ट्राइक करने के बाद ये इनका डायरेक्शन जो थोड़ा सा रिवर्स होता है, सपोज दैट ये अगर ये कार ए है और ये कार बी है ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद इनका जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं आफ्टर द कोलिजन, इनका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इधर होगा V1 का, और इसका जो डायरेक्शन है क्या हो जाएगा इस साइड रिवर्स होगा, तो V2 इस डायरेक्शन में। तो V1 की जो वैल्यू है क्या है, V1 की वैल्यू वो यहाँ पर आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आपको गिवन है, यहाँ पर वेलोसिटी गिवन नहीं है, बट यहाँ पर मैं मास दोनों का सेम कर देता हूँ, मास M1 कितना है 500 किलोग्राम में राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी जो मास M2 है वो कितना है 500 किलोग्राम ऐसा है। सो यहाँ पर आपको M1 और M2 गिवन है, V1 एंड V2 में से केवल V1 आपको गिवन है इसका, अब V2 आपको गिवन नहीं है। सो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी V2 है उसको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बाय मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी, कंजर्वेशन थ्योरी
ये क्या बोलता है कि P1 इक्वल टू कितना होगा P2 के, इसका मतलब है कि M1 V1 इक्वल टू किसके होना चाहिए M2 V2 के। सो यहां से हम लोग ऐड कर सकते हैं M1 अपॉन M2 दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। सो अब यहां से आप वैल्यू को पुट कर दीजिए वहां पर, जो वैल्यू आपको नहीं है वहां पर गिवन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट यहां पर V1 है, सो V1 को यहां पर आप पुट कर सकते हैं M1 M1 M2 M2 इज गिवन also, so फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी V2। सो यहां से V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 और इनटू में M1 अपॉन M2 ऐसा। अब इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। बस आज का वीडियो लेक्चर है इतना। थैंक यू।